हेलो फ्रेंड्स, लर्नवन के एक्सेल सीरीज़ में अब हम बात करते हैं कुछ फिल्टर की। हमारे पास जो भी डाटा होता है, कभी कभी हम उसको किसी एक पर्टिकुलर फीचर के हिसाब से या किसी पर्टिकुलर कॉलम के हिसाब से फ़िल्टर करते हैं। सो अगर हमें वो डाटा फ़िल्टर करना हो तो हम उसको कैसे कर सकते हैं, वो हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में देखेंगे। अभी हमारे सामने फ़िल्टर करके एक वर्कशीट ओपन है हमारे लर्नवन डाटा मैनेजमेंट वर्कबुक में। किसी भी डाटा को अगर हमें फ़िल्टर करना हो तो हमें, जैसे कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था, हमें ये चेक कर लेना बहुत ज़रूरी है कि हमारा कोई भी रो यहाँ पर एम्प्टी तो नहीं है। उसके बाद हम अपने डाटा के अंदर किसी भी सेल को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद डाटा के अंदर जाके फ़िल्टर या फिर होम टैब के अंदर हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है सॉर्ट एंड फिल्टर, एंड यहाँ पर से फ़िल्टर। सो हम जैसे ही डाटा के अंदर जाके फ़िल्टर अप्लाई करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारी टॉप रोज़ के ऊपर फ़िल्टर आइकन्स आ गए। ये ड्रॉप डाउन्स होते हैं। सपोज़ अगर मुझे डिपार्टमेंट के हिसाब से फ़िल्टर करना है तो मैं डिपार्टमेंट के ड्रॉप एरो पे सेलेक्ट करूँगा। जब मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सेलेक्ट ऑल करने के बाद सारे डिपार्टमेंट सेलेक्टेड हैं। जैसे ही मैं सेलेक्ट ऑल को अनचेक करूँगा और किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करूँगा और ओके करूँगा, तो हमें सिर्फ उसी के यहाँ पर रिकॉर्ड्स डिस्प्ले होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं अपने लोअर लेफ्ट कॉर्नर में सिर्फ 40 रिकॉर्ड्स यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं आउट ऑफ 87। ऐसे ही अगर मुझे सपोज़ एडमिन का रिकॉर्ड देखना है और मैं ओके करता हूँ तो मुझे सिर्फ एडमिन के रिकॉर्ड्स यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि फ़िल्टर जब है, जैसे ही हमने डिपार्टमेंट के हिसाब से फ़िल्टर किया तो फ़िल्टर के ड्रॉप डाउन के एरो के अंदर चेंजेस आ गए। सो इसी तरह से अगर हम जिस भी कॉलम के हिसाब से फ़िल्टर करते हैं, सपोज़ अभी मुझे यहाँ पर डिवीज़न में सिर्फ ए डिवीज़न वाले ही चाहिए और जैसे ही मैं इसे सेलेक्ट करूँगा तो आप देख सकते हैं ओनली ए आ गया। सो जिस जिस कॉलम के हिसाब से मैं फ़िल्टर करते जाता हूँ, उस कॉलम के जो ड्रॉप डाउन एरोज़ हैं उसके आइकन में चेंजेस आ जाते हैं। इस तरह से हम किसी भी डाटा को इजीली फ़िल्टर कर सकते हैं। अगर हमको ये फ़िल्टरेशन हटाना है तो हम क्लियर फ़िल्टर फ्रॉम डिवीज़न करेंगे तो वहाँ से वो फ़िल्टर हट जाएगा। सिमिलरली अगर मुझे डिपार्टमेंट पे लगाए हुए फ़िल्टर्स को हटा देना है, या तो मैं उसे क्लियर फ़िल्टर फ्रॉम डिपार्टमेंट करूँगा तो मेरे पास मेरा सारा डाटा यहाँ पर आ जाएगा। सो टेक्स्ट पे तो हमने फ़िल्टर अप्लाई करके देख लिया। अब सपोज़ मैं चाहता हूँ कि मेरे पास सैलरी पे मुझे फ़िल्ट्रेशन करना है, तो मैं यहाँ पर, मेरे पास अलग अलग ऑप्शंस हैं पर मैं इन ऑप्शंस को सेलेक्ट नहीं करता। मेरे पास एक और ऑप्शन है नंबर फ़िल्टर्स। नंबर फ़िल्टर्स के अंदर हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं कि इक्वल टू, डज नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन। तो सपोज़ मुझे ऐसा डाटा फ़िल्टर करना है जिसकी वैल्यू सपोज़ 20,000 से तो बड़ी हो, ठीक है, पर 50,000 से छोटी हो, तो मैं यहाँ पर बिटवीन के रेंज वैल्यूज़ दे देता हूँ और ओके करता हूँ, तो हमें सिर्फ वही वाला रिकॉर्ड्स यहाँ पर डिस्प्ले होगा जिसकी वैल्यूज़ 20,000 से बड़ी है और 50,000 से छोटी है। अगर हमको इन वैल्यूज़ में चेंज करना है तो जहाँ से हमने अप्लाई किया था वहीं पर जाकर हम वापस से वैल्यूज़ को चेंज कर देते हैं। अगर मैं चाहता हूँ लेस देन और इक्वल टू के बजाय कुछ और रखना है, डस नॉट इक्वल टू, इज ग्रेटर देन, सो आप जो भी वैल्यू दे रहे हैं उस पर जिस तरह का फ़िल्टर ऑप्शन आपको लगाना है या जिस तरह की फ़िल्टरिंग कंडीशन आपको देनी है, वैसे फ़िल्टर कंडीशंस दे के आप ओके करेंगे तो आपका डाटा इसके हिसाब से फ़िल्टर हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमको डेट को फ़िल्टर करना है तो डेट के फ़िल्ट्रेशन के लिए भी हमारे पास ऐसी बहुत सारी चॉइसेस होती है। हम कब से कब तक का डाटा चाहते हैं, टुमारो का चाहिए, तो करंट डेट आपकी जो भी होगी उसके हिसाब से टुमारो, बिफोर, आफ्टर, और इस तरह से वो कैलकुलेट करके हमें यहाँ पर दे देगा। साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर 2004 है, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो वो बता रहा है मई का चाहिए, मई में भी फर्स्ट मई का चाहिए, सेम फॉर अप्रैल। तो किस तरह का रिकॉर्ड आपको यहाँ पर चाहिए उसके हिसाब से हम डेट फ़िल्टर को भी अप्लाई कर सकते हैं। सो जिस तरह से हम डेट और सैलरी या नंबर्स पर फ़िल्ट्रेशन लगाते हैं, उसी तरह से हम टेक्स्ट पे भी फ़िल्ट्रेशन लगा सकते हैं।
उस एरो पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर टेक्स्ट फिल्टर के अंदर कुछ ऑप्शंस है, जैसे कि बिगिंस विथ। अगर मुझे चाहिए कि ऐसे नाम जो किसी पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होते हैं सिर्फ वही डाटा आए, तो उस तरह से हम यहाँ फिल्टर लगा सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का फिल्टर कंडीशंस यहाँ पर अप्लाई करनी है, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो डेट हो, चाहे वो नंबर हो, आप इन आइकन्स को यूज़ करके यहाँ पर फिल्टर ऑप्शंस दे सकते हैं।